फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें एंड शेयर करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज ब्लॉगिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग देवरी माता के दर्शन करने जा रहे हैं। देवरी माता का मंदिर जमशेदपुर की तरफ, मतलब जमशेदपुर वाले रास्ते में है, बुंडू तमवाड़ जगह है, वहाँ पे ही उनका मंदिर है। रांची से जमशेदपुर की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये रांची से लमसम 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है माता का मंदिर। देवरी माता का मंदिर पहले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था और अभी तो जैसे रजरप्पा मैया है ना, उनके जैसे उन्हीं तरफ पूरा फेमस हो गई है। और इनका पूरा पूरी श्रेय हमारे पूर्व कप्तान जो है क्रिकेट को, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि रांची के शान है, रांची के राजकुमार कहे जाते हैं, उन्हीं का देन है उनको इतना ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने में देवरी माता का। पहले बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था उनका, देवरी माता का, लेकिन जब से धोनी जाने लगे और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें योगदान दिया, मंदिर बनाने में बहुत ज़्यादा उनका योगदान है, बहुत सारे क्रिकेट के सारे प्लेयर भी यहाँ आते हैं देवरी माता के दर्शन करने। झारखंड में ना नेचुरल ब्यूटी बहुत बहुत ही ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ के लैंडस्केप जो है एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। मैं उतना आपको नहीं दिखा पाऊँगी, शायद उतनी उतना खूबसूरत कैमरे में नहीं लगे, जितना आप अपनी आँखों से देखेंगे तो लगेगा। कभी आप ज़रूर घूमने आइए और देखिए इतनी खूबसूरत यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है ना कि क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लगता है। कैमरे में भी उतना खूबसूरत ये नहीं आ पाता। देखिए यहाँ के लैंडस्केप कितना है, बहुत सुंदर लगता है। झारखंड में दो तीन चीज़ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर फॉल वगैरह है, बहुत अच्छा है, लैंडस्केप बहुत अच्छा है, यहाँ की रोड वगैरह बहुत ही अच्छा है, शायद ही कहीं हो जो खराब हो। नीचे बोल लिया वो सोचे ट्रक वाला भी फर्स्ट ट्रक लगा दिया शुरू बोले नहीं। देखिए यहाँ पे रोड बहुत ही सुंदर है, शायद ही कहीं हो जो झारखंड का रोड खराब हो, नहीं तो झारखंड में मैक्सिमम रोड बहुत अच्छा है, खासकर रांची जमशेदपुर का रोड तो बहुत ही अच्छा है।
क्या वहां लगा के रखा है? और हम लोग आगे देवरी माता के मंदिर उनके परिसर में हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी लगाकर प्रसाद वगैरह लेकर फिर उनके दर्शन करने निकलेंगे। पहले यहाँ पर कोई भी दुकान वगैरह नहीं हुआ करता था, बहुत छोटा सा मंदिर था, दुकान वगैरह कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत सारी दुकान हो गई प्रसाद वगैरह के लिए, नाश्ता वगैरह आप दर्शन करके नाश्ता, बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए यहाँ पर। और यहाँ पर वो फोटो लेने वाले जो है ना प्रोफेशनल है, वो लोग बोल रहे थे फोटो लेने के लिए। और देखिए हम मम्मी पापा लोग पहले से ही पहुँच गए थे, वो लोग आ गए थे थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ पर आए। और ये परिक्रमा का इनका ये है, वही पत्थर वगैरह से जैसे इनको किया गया था ना, छोटा सा बनाया गया था उस तरह से इनको नेचुरली रख दिया गया। बाहर बाहर पूरा मंदिर और अच्छे से बनाया गया। देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, बहुत कुछ बाकी भी है। सारा ये हमारे कप्तान माही का ही देन है, एक एक चीज में उनका देन है, हर कुछ में, इनकी प्रसिद्धि में, इनके बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, सब कुछ में माही का देन है। यहाँ हर प्लेयर जितने भी क्रिकेट के प्लेयर हैं वो लोग सारे लोग आते हैं, और माही पहले भी आते थे और अभी भी आते हैं। जब भी वो रांची आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। ये देखिए अभी पूरा अभी बना नहीं है, और ये पूजा के बाद यहाँ नारियल वगैरह तोड़ने का स्थान दिया हुआ है। माता तो हम मुझे बोल के चले थे हम लोग बूढ़े हैं और बच्चा है, दो भाई है, बाकी कोई है नहीं। और यहाँ पर हम लोग बहुत सुबह ही आ गए थे, हम लोग 6 बजे घर से निकल गए थे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, और हम लोग भीड़ से बचने के लिए बहुत सुबह आ गए थे। यहाँ पर तुरंत 2 मिनट के अंदर इतनी लंबी लाइन लग जाती है ना कि बहुत परेशानी हो जाता। छोटे बच्चे थे और नानी थी जो बहुत बूढ़ी थी, और अभी जो सिचुएशन चल रहा है इससे हम लोग बचने के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल गए कि भीड़ भाड़ से हम लोग बच जाएं। और हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूजा किया, कोई भीड़ नहीं था जब हम लोग पहुंचे तो। मारो जोर से मारो, देखिएगा हाथ मत मार लीजिएगा, मारिए भगवान कर रहे हैं, छोड़ 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 नहीं जाएगा, छोड़ ले दिए मार मार के छोड़ ले, मारिए इतना बॉल फेंकते हैं आपको यही नहीं इधर तो जो ऐसे कीजिए बॉल आउट होगा भाई, ऊपर से भी क्या रहा फाड़ दी उसका।